सभी को मेरा नमस्कार। अभी अभी हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति जी से मिले और जो लखीमपुर खेरी किसानों पे अन्याय हुआ है वहाँ पर जो उनको कुचल कुचल के मार दिया गया है, तो इसके बारे में हमने राष्ट्रपति को सविस्तार के साथ राहुल जी और प्रियंका जी ने बताया, क्योंकि स्पॉट पे वो खुद गए थे, वहाँ की स्थिति उनको मालूम थी और उनके घर के लोगों से भी वो मिल कर आए हैं। इसीलिए मैं राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बारे में वो सविस्तर बताए। और हमारी मांग ये दो है, एक तो सिटिंग जजेस, दो जजेस सिटिंग इंडिपेंडेंट इंक्वायरी उसकी करना चाहिए, और दूसरा जो होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, वो इस्तीफा देना चाहिए या उनको डिसमिस करना चाहिए और उसी के बाद न्याय मिलेगा। तो इसीलिए सारी चीज़ें आपको सविस्तर के साथ राहुल जी बताएंगे, फिर प्रियंका गांधी जी भी वो अपनी बात कहे। नमस्कार। कुछ दिन पहले हम लखीमपुर खेरी में जिन परिवारों को, जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उनके हम घर गए और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो दो चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। और इसीलिए जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। ये बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए, ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है। उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, और इस व्यक्ति ने हत्या से पहले देश के सामने कहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो मैं सुधार दूंगा। मतलब किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के दो सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। प्रियंका जी जब हम लखीमपुर खेरी में शहीद किसान और श्री रमेश कश्यप जो पत्रकार थे उनके परिजनों से मिले, तो जैसे राहुल जी ने कहा, वे सिर्फ न्याय चाहते हैं। और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो,
और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्ती की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्ती नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सज़ा नहीं मिलेगी। मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ उन शहीद किसानों और शहीद पत्रकार के परिजनों की मांग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता की मांग है और ये देश के एक एक जो राइट थिंकिंग इंसान है उनकी भी मांग है। इस देश में न्याय की उम्मीद कभी बुझनी नहीं चाहिए और आज जो हम देख रहे हैं उससे सरकार ये संदेश दे रही है पूरे देश को कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप किसान हैं, महिला हैं, आपके लिए न्याय नहीं है, कानून नहीं है। और अगर आप सत्ताधारी हैं, भाजपा के मंत्री हैं, तब कानून आप पर लागू नहीं है। तो जो शहीद परिवार हैं, जो शहीदों हैं, शहीदों के परिवार हैं, उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के से मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई जल्दी ही करेंगे। मैम, कोई आश्वासन राष्ट्रपति जी से इस मसले पर आपको मिला क्या? किस तरह की? उन्होंने आश्वासन दिया कि आज ही वे सरकार से इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग लगातार ये मांग करते रहे गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, अब तक सरकार ने बर्खास्त नहीं किया, यहाँ तक कि कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं। राष्ट्रपति से कितनी आपको उम्मीद है कि राष्ट्रपति आपकी बात को सुनेंगे और इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश की और जनता की आवाज़ सुने। ये मेरी मांग नहीं है, कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, हमारे साथियों की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है। और जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के जन जन की मांग है और उन शहीदों के परिवारों की मांग है जिन्होंने अपने परिजन खोए। के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।